caught in the crossfire. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आए हैं। बेसिक सा ट्यूटोरियल है ये कस्टम बैकग्राउंड लगाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे नावी का लगा के रखा है, वैसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रो टीम्स के बैकग्राउंड्स हैं, कस्टम बैकग्राउंड्स। तो बस आपको ये कस्टम बैकग्राउंड डाउनलोड के लिए बस एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करना है। तो ये रही वो लिंक। इसमें जैसे 100 थीव्स, एस्ट्रोलिस, एवेंजर्स, क्लाउड 9, एंस, फेस, सब बहुत सारी प्रो टीम्स के, ऑलमोस्ट सारी प्रो टीम्स है जो आप लगा, जिसके आप फ़ैन होंगे या तो आप लगाना चाहेंगे, तो ऑलमोस्ट सारी प्रो टीम्स के हैं। तो जैसे मैं अभी G2 का तो लगा ही हुआ है, नावी का करता हूँ। ठीक है, नावी का डाउनलोड बस आपको ये करना है। ये डाउनलोड किया, उसको आप अगर अनजिप करोगे, अनजिप किया, इसमें एक्सपेक्ट रेशो रहेगा 4:3 पर। अगर आप खेलते तो 4:3 से लग करो, 16:9 है तो 16:9 से लग करो। जैसे मैं 16:9 पे खेलता हूँ। ऑलरेडी इसमें एक मैप के नाम से रिप्लेस्ड है, न्यूक। अगर आपने अभी तक कोई भी कस्टम बैकग्राउंड नहीं लगाया है तो आपको बस सिंपली ये कॉपी करना है, ठीक है, और आपको फिर सीधे CSGO की फाइल्स एक्सेस करनी है। मैनेज, ब्राउज लोकल फाइल्स। आपने ये फाइल्स एक्सेस की, उसमें जाके बस CSGO, उसमें फिर पैनोरामा, वीडियोस, बस इसमें जाके सिंपली बस पेस्ट कर देना है, सिर्फ पेस्ट और रिप्लेस। पेस्ट में भी रिप्लेस सिलेक्ट करना हमेशा, क्योंकि हमें वो पुरानी फाइल्स नहीं चाहिए। तो अब अगर हम वापस गेम में जाके देखेंगे तो न्यूक में नावी रहता है, न्यूक पे नावी है। और अगर आपको मल्टीपल कस्टम टीम, मल्टीपल टीम्स के चाहिए जैसे आपको कस्टम बैकग्राउंड, तो बस जैसे नावी के लिए हमने न्यूक सिलेक्ट किया था, न्यूक के नाम से रिप्लेस किया था यहाँ, तो बस हमें इसे किसी और मैप के नाम से रिप्लेस करना होगा जो अभी करेंटली बैकग्राउंड में चल रहा हो। जैसे कि अभी करंट बैकग्राउंड में एंशिएंट चल रहा है, तो आपको बस यहाँ से नेम कॉपी करना है। एग्जैक्ट नेम होना चाहिए हर बार फाइल का, तभी CSGO उसे रीड करेगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे एंशिएंट मैप को बस कॉपी करना है Ctrl+C, और बस यहाँ जाके नेम रिप्लेस कर देना, आपको रीनेम करके बस रिप्लेस करना है तीनों, उस मैप के तीनों फाइल्स का नेम आपको बस यहाँ जाके रिप्लेस करना है। तीनों फाइल्स का नेम सेम होना चाहिए गाइस, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों फाइल्स का नेम सेम होना चाहिए और तीनों फाइल्स आपको रिप्लेस करनी है, तभी CSGO उसे एक्सेप्ट करेगा, और नहीं तो वो एरर दिखा देगा CSGO। फिर आपको वापस वेरीफाई करनी पड़ेंगी अपनी फाइल्स, तभी वो फिर वापस कर पाओगे आप। और बस सिंपल एज दैट, आपको बस फिर मैप सेलेक्ट करना है। जैसे अभी ब्लैक साइड पे नहीं है तो नॉर्मल मैप ही चल रहा है, और जैसे ही उसको रिप्लेस करते, तो ये जैसे एनोबिस पे मैंने एस्ट्रोलिस रिप्लेस किया था, फिर मैंने एंशिएंट पे लिक्विड को रिप्लेस किया, तो ये लिक्विड का बैकग्राउंड है। तो आप ऐसे मल्टीपल बैकग्राउंड्स अपने रख सकते हैं, हर टाइम आप अलग अलग बैकग्राउंड चलाओ। बस एज सिंपल एज डैट, बस आपको नाम रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। और इस साइट से बस डाउनलोड कर लो जो भी आपको चाहिए, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। वाइटैलिटी भी है, वर्टिस प्रो, जिस टीम के आप फैन होगे वो टीम पक्के से यहाँ प्रेजेंट होगी 100%। तो इसी के साथ हम ये यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं गाइस। आई होप कि आपको मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो। कोई स्क्रिप्ट तो मैंने बनाई नहीं थी, तो लाइक रेंडमली बस मैं एक बार बैठा और वीडियो बना दिया। तो प्लीज़ अगर कोई भूल चुकी हो तो माफ़ करना, और प्लीज़ वो सब बटन पे चप्पल मारो, हथौड़ा मारो, अपना PC फोड़ो, कुछ भी करो भाई, बस प्लीज़ वो सब बटन दबा देना। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, हमें जल्दी 1K लाइक, 1K सब्स पे पहुंचना है। 1K लाइक तो बहुत दूर की बात है अभी, 1K सब्स हमें जल्दी पहुंचना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। हाँ, मिलते हैं बॉयस अपने नेक्स्ट स्ट्रीम पे या तो वीडियो पे, जो भी आप देखना चाहो मेरी। थैंक यू गाइस।